Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, टू वी ब्रो की जो है वो वीडियो आ चुकी है. और टू वी ब्रो की जब भी वीडियो आती है, सजेशन मुझे जो है वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है. काफी टाइम के बाद टू वी ब्रो की वीडियो आई है और फिर जो है वो इसके ऊपर एक्शन तो बनता था. और थंबनेल के ऊपर जो इस टाइम फोटो इनकी लगी हुई है ना, वो जब 1971 में जो 93,000 फौजी हमारे जिन्होंने सरेंडर किया था इंडिया के आगे, ठीक है, तो उस टाइप की जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है थंबनेल. तो एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान आउट फ्रॉम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, पाकिस्तान क्रिकेट रोस्ट टू वी ब्रो. ओके, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप लोग, और कौन सा जो है वो क्रिकेटर, और उसको जो है आप कहते हो कि यार ये बंदा टीम में ना ना हो तो टीम आगे नहीं जा सकती. आज ऐसे क्रिकेटर का नाम जो है आपने लिखना है कि जब भी मैच हो तो कहते हैं ना कि एक यार ये बंदा होगा ना तो मैच जीत जाएंगे. तो कोई ऐसा क्रिकेटर आपकी नजर में है तो उसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. तो बांग्लादेश आपका कोई मैच ही नहीं है, 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 12 आपने जीते, एक मैच ड्रॉ हो गया. और बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त. अब बोल क्रिकेट बांग्लादेश से सीखे. पाकिस्तानी टीम खास तौर पे अपने मुल्क के अंदर जीत को तरस गई है. ये पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले. हेलो पाक प्लेयर्स के हाल सबको अंदाजा था कि सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकलेगा, लेकिन पॉल के थकी पहले टेस्ट में हार के बाद भी मेरा तो दिल यही कहता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करेगी, बांग्लादेश को शिकस्त देगी. लेकिन पोर्को को बांग्लादेश से टेस्ट जीतने का ख्वाब, ये ख्वाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ख्वाब ही रहेगी. हम जैसे क्रिकेटर, हम जैसे एनालिस्ट जैसे बात कर रहे हैं, ब्लंड बात कर रहे हैं. क्या बोला तूने? ब्लंड बात कर रहे हैं. प्यारी समझ गई, प्यारा समझ गया. भाई पोर्को की टीम तो कोई मैच जीतने से रही, तो बंदे अपने मुल्कों में क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या क्या आइडिया निकाल कर ला रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टीमें सेलेक्ट होंगी. मैं समझता हूँ कि पूरा क्रिकेट बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलना चाहिए. अबे सालो, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, एलियंस टेक्नोलॉजी से भी क्रिकेट चला लो तब भी तुम्हारे मुल्कों में क्रिकेट के हालात नहीं सुधरने वाले. क्योंकि सालो, तुम्हारे प्लेयर दुनिया के वो नायाब नमूने हैं जो रियल लाइफ में क्या मोबाइल गेम में भी मैच नहीं जीत सकते. वो तो तुम पोर्गे हो कि हर मैच से पहले उनके सपोर्ट में हल्ला मचाने लगते हो, जैसे अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में मचा रहे थे. बांग्लादेश ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लड़कों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ललकार दिया है. ये जो पाकिस्तान के हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये अब ऐसा बाउंस बैक करके आएंगे और ये बताएंगे बांग्लादेश टीम को कि हम में दमखम है. आइए देखते हैं, मजा. घर के शेर घर में भी ढेर है. बांग्लादेश के दोनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया. अबे सालों, व्हाइट वॉश नहीं किया, तुम्हारे मुंह पर काली पोस्ट कर रख दी है. शर्म करो भुट्टी वालों. और भाई ये देखो, बांग्लादेश जैसी टीम से सीरीज हारने के बाद भी पोर्को को अपने प्लेयर से कोई शिकायत नहीं, बल्कि उंगली किस पर उठा रहे. सबसे बड़ी बात है, आपको पिच बनाना नहीं आती है. अबे सालों, तुम्हें प्लेयर्स बनाने भी कहां आते हैं, मौजूदा प्लेयर ड्रेसिंग रूम में लड़ते झगड़ते रहते हैं. पूर्व खिलाड़ी तो वो किसी टीवी शो में बैठकर. अभी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. ये कैसे हुआ? हाय हाय, इतना सुकून. ये जो रजाक भाई से आपकी शादी, आप दोनों रिश्तेदार हैं, मगर ये बात स्टार्ट किसने की? क्या इन्होंने अपनी अम्मी को कहा या ये खानदान वालों ने खुद सोच लिया? ये खानदान वालों ने खुद ही सोचा. आपने नहीं सोचा? मैं तो बहुत छोटी थी. बहुत छोटी. रजाक भाई, ये आपने जब ये बात आपके कानों में पड़ी कि भाई आयशा से आपकी शादी होने वाली है, तो आपने कुछ चूचा की या बस हाँ कर दी? देखिए, ये काफी छोटी थी. कितनी छोटी थी? और तो अम्मी ने इशारा किया जब मैं पाकिस्तान टीम में आया. मेरी खाला भी, ये भी आते थे, भी थे अम्मी, आपस में बहनें थी, तो कोई ऐसा नहीं था. ये बिल्कुल छोटी थी. छोटी छोटी छोटी. वालदा ने कहा कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी ना आयशा से कर दूं. तो मैंने कहा आयशा तो छोटी है. और जब मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने अपनी बहन की बेटी से शादी करनी है, तो मैं चुप रहा. चुप रहे, कुछ नहीं कहा. मैंने कुछ नहीं कहा. तो उस वक्त तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया. और ये छोटी है, छोड़ो. ये तो इन
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हालत है और पाकिस्तान का क्या है। हाँ, समझ गया। यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं, लेकिन जहाँ खेलने की जरूरत हो वहाँ एक पाक प्लेयर ढंग से खेलता नजर नहीं आएगा। वो तो पोर्गे है कि हर मैच से पहले इसके अंदर डिंगे हाँकने लगेंगे, मानो पाकिस्तानी टीम का कमाल करने जा रही हो। और यही तो हुआ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी, बंदे तब से पहले टेस्ट की हार का मातम मना रहे थे। कैसी सर्जरी हुई, पहले ही मैच में बांग्लादेश ने हमारे सारे टाके खोल दिए। और जैसे ही दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश के 26 पे 6 आउट हुए, पोर्गो की जज्बे वाली बैटरी चार बंदे अपने प्लेयर्स की तारीफ में इस कदर फटने लगे मानो बांग्लादेश से मैच ही कब्जा लिया हो। तो रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग बांग्लादेशी बैटिंग लाइन उड़ा कर रखी। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज कौमी बॉलर्स ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। अरे क्या करूं भाई, जब जब इन पोर्गो को मुंह खोलते देखता हूं यही सोचता हूं वो इतना मुंह फट कैसे हो सकता है। साला भी बांग्लादेश के 6 विकेट ही गिरे थे। पोर्गो ने ऐसा हु हल्ला मचाना शुरू कर दिया था जैसे बांग्लादेश को 26 बार ऑल आउट ही कर दिया हो। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा वैसे वैसे पोर्गी पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट बचाना भी मुश्किल हो गया। भाई 5वें दिन का मैच आते आते तो पोर्गो की ये हालत हो गई थी कि बंदे हार के डर से बारिश की दुआ तक करने लगे। पूरे दिन अगर बारिश होती रहती है और मैच नहीं हो पाता तो ये तो होगा ना कि पाकिस्तान शिकस्त से बच गया। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि बारिश हो, और इतनी बारिश हो कि ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाए। भाई ग्राउंड में तो पानी खड़ा नहीं हुआ लेकिन बांग्लादेश का बोझ जरूर खड़ा हो गया। वो बोले तो अरे वो रे वो हाँ वो जो छिलने के बाद छोटा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल। अरे नहीं रे, अबे वो रे जो आगे से भी लंबा होता है पीछे से भी लंबा होता है, क्या बोलते हैं उसको, तरबूज। अबे झंडा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन इस हार के बाद भी पोर्गो को कोई मायूसी नहीं बल्कि उनका अब भी कहना है पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है, इस तरह की टीम पूरी दुनिया में नहीं। भाई हो भी कैसे सकती है, 50-50 वर्ल्ड कप होता है, अफगानिस्तान से हारते हैं, बाकी बहुत सारी फेरिस्त भी छोड़ दें। T20 वर्ल्ड कप होता है यानी कि T20 फॉर्मेट, तो उसमें अमेरिका से हार जाते हैं, और टेस्ट क्रिकेट होता है यानी कि टेस्ट फॉर्मेट, तो उसमें बांग्लादेश से हार जाते हैं। आखिर ऐसी टीम पाकिस्तान के अलावा दुनिया में हो भी कौन सकती है। मतलब पोर्गो के मुल्क में एक बार को आटे की कमी हो जाएगी लेकिन जज्बे की कमी नहीं होगी, बंदे अपने प्लेयर्स की तारीफ में फटे ही जाएंगे। अब इस जिम्बाब्वे को ही देख लो, जो बंदे आज तक अपनी टीम को एक ICC टूर्नामेंट नहीं जीता पाया, आयरलैंड जिम्बाब्वे USA जैसी टीमों से मैच तक नहीं बचा पाया, जो बंदे T20 भी टेस्ट मैच की तरह खेलता है, उस बंदे के लिए भी पोर्गो का कहना है बाबर आजम T20 फॉर्मेट के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अबे पोर्गो अपने प्लेयर्स की तारीफ में कब तक भौंकोगे, कभी उनकी परफॉर्मेंस को देखकर रो भी लिया करो, मन हल्का हो जाएगा। तो इतने दिनों से बस हम रोना ही रो रहे थे, रो रो कर आंखें सूज गई। रोती रहो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, तो ये टूवी ब्रो की आज जो है ना थोड़ी वीडियो शॉर्ट थी, तो इनकी 6 मिनट की वीडियो थी, और 6 मिनट के अंदर जो है, नहीं तो इनकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती है तो ज्यादा बिस्ती फील होती है, छोटी है तो थोड़ी बिस्ती फील होगी पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है सपोर्ट करते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती हूँ तो इसलिए जो है वो इतना मेरे ऊपर ये बातें असर नहीं करती। और बाकी ये चीज़ है कि हमारी टीम तो यार पैदा ही हारने के लिए हुई है, डोंट वरी। अगर कोई तुम लोगों को कोई भी किसी भी टीम को जीतना है ना, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जो है वो खेले, वो खुद ब खुद जीत जाएगा, बिकॉज इनके पास तो जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो स्ट्रेटजीज है, हर चीज़ जीरो जीरो है, इनकी तो टेंशन ही तुम लोगों ने लेनी, जो भी इनके ऑपोजिट होगा वही जीतेगा, कोई थक्की से थक्की टीम भी ले आओ वो जीत जाएगी, बट ये नहीं जीतेंगे। और ख्वाब इनके हैं जी, हमने इंडिया को हराना है, रोहित शर्मा को आउट करना है, विराट कोहली को आउट करना है, मतलब ये मैं मुझे वो जो पहले प्रीवियस मैच के प्रेडिक्शन लोग करते हैं ना, तो हमारे शाहीन ने जो है ना विराट कोहली के छक्के छुड़ा देने हैं, रोहित शर्मा को बाबर आजम ने जो है ना वो जिसे कहते हैं बाबर आजम रोहित शर्मा को नहीं छोड़ेगा, और फिर क्या होता है ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। इन लोगों के हाथ पांव फूलते हैं जब ये पाकिस्तानी टीम के सामने इंडियन टीम आती है ना, तो इनके हाथ पांव फूलते हैं, ये कांपते हैं, कांपे टांग जाती हैं इनकी, ठीक है। इनको नहीं खेलना आता, ये ना प्रेशर में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, अपनी जीरो परफॉर्मेंस देते हैं यार, कुछ करके तो मतलब हारो लड़ो मरो, पता तो चले कि तुम लोगों ने कुछ करके जो है ना फिर आप लोग हारे हो,
आप बिल्कुल इस अंडे पे चले जाते हो तो वो भी तो सही नहीं ना। हर बंदा जो है क्रिकेट टीम को, जो हमारी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उसको रोस्ट कर रहा है। आप छोटा बच्चा भी देख लो, वो भी इनसे शायद जो गली के अंदर क्रिकेट खेलते हैं वो भी ज्यादा अच्छे से खेल पाएंगे। ये लोग बस इनको पेप्सी के जो जितने भी एड्स हैं उनके अंदर इनसे जो है मॉडलिंग करवा लो, नचवा लो और बस ठुसवा लो इनको खाने, और प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, और कुछ नहीं हो सकता इनसे। अपने होम ग्राउंड के अंदर ये नहीं खेल सके, ठीक है, बांग्लादेश जैसी टीम आई है और इनके छक्के छुड़ा के चली गई है, तो हम इनसे कुछ भी नहीं अब एक्सपेक्ट करते। अब ये कुछ ही काम के नहीं ले रहे, ठीक है, ये कूड़ा कबाड़ा बन चुके हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, जो कि मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।